चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले सवाल को देखोगे, इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर, मतलब आई आरएमएस हमें निकालना है और रेजिस्टेंस आर, तो आई आरएमएस कैसे निकाले अब इस सर्किट का। तो यहाँ से देखोगे आई आरएमएस का जो बेसिक डिफिनेशन है आई आरएमएस, तो इस सर्किट का भी आरएमएस और डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है ना। तो आई आरएमएस जो है, क्या कर रहा हूँ यार, आई आरएमएस यहाँ सॉरी, आई आरएमएस वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड इम्पेडेंस, ठीक है ना। करेंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर वी आरएमएस यहाँ से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखोगे 200 200 √2 और अपॉन जेड। तो इस पूरे सर्किट का जेड निकाल के इसमें रख दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस सर्किट का जो जेड निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप देखोगे यहाँ XL की वैल्यू, XL की वैल्यू दिया हुआ है भाई, यहाँ से 200 माइनस 100, यहाँ इसका होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस 100 का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे अंडर रूट, तो 100 क्या है, 100 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 100 का स्क्वायर, और ये 100 100 का स्क्वायर यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा 100, और ये √2 आ जाएगा, दैट इज द जेड। तो आई आर एम एस अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा फील आएगा, आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस तो दिखा हुआ आंखों से देखो, थोड़ा सा आंखों का डायरेक्शन चेंज करके सर्किट में 2√2 और ये 100√2, ठीक है। तो 100√2 जब डिवाइड करोगे तो आई आर एम एस कितना जाएगा, 100 एम्पीयर, ठीक है। ओ हो, क्या कर रहा हूँ यार। तो आई आर एम एस यहाँ से 2 एम्पीयर आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। तो 2 एम्पीयर ये वाला सही है, बाकी क्यों दिया था, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।